my dad's making it hurt. तो दोस्तों, क्या आप भी मोबाइल फोन से वीडियो एडिट करते हैं लेकिन परेशान हो चुके इस चीज से कि जब भी आप वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आधे घंटे में एक घंटे में एक्सपोर्ट होती है और आप चाहते हैं कि जो एक्सपोर्टिंग स्पीड है उसको कम कर दिया जाए, जो सॉफ्टवेयर है वो आपका काम फटाफट से करके दे, तो फिर आज वाली वीडियो आपके लिए होने वाली। वैसे आपके पास है कोई भी वीडियो एडिटर क्यों ना हो, लेकिन आज हम बात करने वाले किनेमास्टर के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और आपकी जो वीडियो एक्सपोर्टिंग टाइम है हम किनेमास्टर के अंदर ही कम करके दिखाने वाले। लेकिन दोस्तों, पहली बार अगर आप हमें देख रहे तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेना ऐसे कमाल कर वीडियोस देखते रहने के लिए। और अब तक मेरे इंस्टाग्राम पर बातें भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके फॉलो कर सकते हैं। चलिए, वीडियो एक्सपोर्टिंग टाइम को कम करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। एक ही चीज है जो अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी जो वीडियो एक्सपोर्टिंग टाइम है काफी हद तक कम हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मान के चलो कि आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है, और उस बाल्टी के अंदर आप पेपर डालना स्टार्ट करते हैं, कागज जो होते हैं ना वो आप डालना स्टार्ट करते हैं उनको फोल्ड कर करके, और आपने उस बाल्टी को फुल कर दिया। अब आपको एक आदमी आके बोलता है कि आपके पास एक छोटा एक बाल्टी और देता है, ठीक है, एक बाल्टी बड़ा आपने कागज से फिल कर दिया था और एक छोटा बाल्टी साइड में रखता है और बोलता है जितने भी कागज है आपको सारे के सारे छोटी वाली बाल्टी के अंदर फिट करने हैं कैसे भी करके। तो आप क्या करोगे, उस बाल्टी के सारे कागज को निकालोगे, दूसरे वाले में डालोगे, अगर वो फिट नहीं होते तो आप उनको प्रेस करोगे और प्रेस कर करके आप उसके अंदर फिट कर दोगे और नो डाउट वो फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेम बाल्टी की, मतलब इस साइज की बाल्टी एक और देखने को मिले, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको उठाएंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे, हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। दो अलग अलग केस थे। पहले वाला क्या था कि हमारे पास सेम प्रॉपर्टी थी, सेम स्पेस था, हमने सब कुछ उठाया और डाला, लेकिन वहां पे हमें मेहनत करनी पड़ी बिकॉज वहां पे हमें उसको कंप्रेस करना पड़ा। लेकिन सेकंड वाले केस में एग्जैक्टली वैसा का वैसा चला गया और हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब इसी चीज को हम समझते हैं वीडियो एक्सपोर्टिंग टाइम के साथ रिलेट करके। मान के चलो कि आपने एक वीडियो बनाया, वीडियो शूट किया और वो आपने वीडियो शूट किया आपके DSLR से, और वो जो वीडियो आपने शूट किया है वो आपने यहाँ पर फुल HD के अंदर, मतलब 1080p के अंदर रिकॉर्ड किया है विद 60fps। अब आप इसी वीडियो किनेमास्टर के अंदर लेके जाते हो और आप वहां पर क्या करते हैं, उस वीडियो को एक्सपोर्ट जब करते हैं एडिट करने के बाद में, तो आप कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, लाइक इसको बोलते हैं सीक्वेंस। अब अगर आप यहाँ पे सीक्वेंस नहीं बनाओगे तो फिर आपका एक्सपोर्टिंग टाइम अपने आप से ज्यादा हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर आपने जो फाइल रिकॉर्ड किया था उसका रेजोल्यूशन चेंज कर देते हैं, जैसे कि फुल HD था, अगर आप उसको 4K कर देते हैं या फिर 720p कर देते हैं, तो सॉफ्टवेयर को लोड लगेगा फाइल को कंप्रेस करने में या फिर उसका फाइल साइज इंक्रीज करने में, दोनों ही जगह पर जो सॉफ्टवेयर है उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेम क्वालिटी रखते हैं 1080p और जो बिटरेट है वो भी सेम रखते हैं और साथ में आपका जो फ्रेम रेट है वो भी सेम रखते हैं, तो आपका जो वीडियो रेंडरिंग का टाइम है, एक्सपोर्टिंग का टाइम है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और ये जो चीज है हमने एक्सपेरिमेंट करके देखी है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो इसको बहुत आराम से समझाता हूँ। मान के चलो कि आपने DSLR से एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जो कि 10 मिनट का है और एडिट होने के बाद 5 मिनट का बन जाता है। सेकंड थिंग, आपके DSLR के अंदर से आपने 1080p के अंदर फुल HD में एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसका FPS यहाँ पर 30fps है और साथ ही में जो बिटरेट है वो 15-20 बिटरेट के आसपास है। जब आप उसको यहाँ पर किनेमास्टर में एक्सपोर्ट करते हैं तो एक नॉर्मली गलती क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि 60fps तो बहुत ज्यादा होता है ना, तो हम 30fps फ्रेम वाली जो वीडियो है उसी को 60fps पे एक्सपोर्ट कर देते हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। जब कोई वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर 30fps का है तो आप उसको 60fps पे कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। सेकंड थिंग, बिटरेट, एक बहुत अच्छी सेटिंग बता रहा हूँ, ध्यान रखना, जो YouTube भी रिकमेंड करता है, अगर आप यहाँ पर कोई वीडियो बना रहे हैं जो कि 720p का है और उसका जो बिटरेट है अगर वो बहुत ज्यादा बहुत कम है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं भाई मेरे को क्या रखना चाहिए, या फिर 1080p की वीडियो है और तब भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें क्या रखना चाहिए, तो फिर आपको बहुत अच्छा रिकमेंडेशन देता हूँ। अगर आप यहाँ पर वीडियो को 720p पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको जो बिटरेट है वो अराउंड 5-6 के आसपास रखना चाहिए, 5-6 Mbps। और अगर आप इधर ही वीडियो को एक्सपोर्ट कर रहे हैं फुल HD के अंदर 1080p के अंदर, तो फिर आपको बिटरेट जो है वो 10-12 रखना चाहिए। और अगर आप इन दो तीन बातों का ध्यान रखेंगे, जिन जिन बातों के बारे में मैंने आपको बताया है, तो फिर आपकी जो वीडियो एक्सपोर्टिंग टाइम है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और मोस्टली लोग यही गलती करते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, एंड दैट इज कि अगर आप यहाँ पर किसी वीडियो को फुल HD के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो सेम फ्रेम रेट के साथ, सेम बिटरेट के साथ आपको उसको एक्सपोर्ट करना है ताकि सॉफ्टवेयर के ऊपर बिल्कुल लोड ना पड़े और आपकी वीडियो फाइल जल्दी एक्सपोर्ट हो जाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जहाँ पर मैंने ट्राई किया आपको कुछ समझाने का, और आई होप कि वो काफी हद तक समझ में आ भी गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे कमाल कर वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।